नए शिखर पर निफ्टी आता हुआ ऑल टाइम हाई लेवल्स आप देख पा रहे हैं निफ्टी में। पिछले ऑल टाइम हाई लेवल 7 मार्च को देखे थे और लगभग एक महीने बाद हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी ऑल टाइम हाई शिखर पे 22,526 ये स्तर आप देख रहे हैं निफ्टी 50 पे फिलहाल। और आज ब्रॉडर मार्केट से पूरी तरीके से सपोर्ट है, साथ ही दिग्गज HDFC बैंक और रिलायंस भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखे तो कई सारे काउंटर्स में जबरदस्त एक्शन है और अक्रॉस द बोर्ड हम देखें कई सारे सेक्टर्स पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज मेटल्स में भी अच्छी चमक है, कई सारे मेटल काउंटर्स जो हैं आपको ट्रेड कर रहे अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे होंगे। और ऐसे में निफ्टी मेटल सेक्टर वाइज लीड करता हुआ नजर आ रहा है, 2% की तेजी वहां पे। मीडिया इंडेक्स में बाहर है, साथ ही रियल्टी इंडेक्स भी 1.5% की तेजी दिखा रहा है। हालांकि फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा और पुश जरूर देखेंगे, निफ्टी बैंक 450 अंकों से ज्यादा की तेजी है यहाँ पे, पर देखते हैं कि आने वाले समय में तेजी बढ़ती है या नहीं। 1% का उछाल आप निफ्टी बैंक में देख रहे हैं, तो ऑल टाइम हाई लेवल्स डिम्पी निफ्टी 50 पे आते हुए। बिल्कुल, और एक खुशी का पल इसलिए भी है सृष्टि, क्योंकि एजिन ऑफ स्वदेश ने आपके हौसले को काफ़ी बुलंद भी रखा और हमने हमेशा से बात रखी कि शॉर्ट ना करें, आपके पास जो माल है उसको होल्ड करके बैठें, आपके तपस्या का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और आज जब अपनी स्क्रीन पर 22,526 के पुराने वाले लो को ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं तो वो अच्छा लगता है देख के और बेहतर लगता है, मज़ा आता है देख के कि देखे जो आपने काम किया, जो कन्विक्शन थी, जो डाटा था वो आपका जीत गया। और ETN स्वदेश ने ना केवल आपको स्टॉक्स के इंडेक्स के बारे में बल्कि अलग अलग स्टॉक्स में भी आपको रिकमेंडेशन किया था। मैं सभी मेहमानों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये सब अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से हैं, इन सबके साथ हमारा कोई फाइनेंशियल टाई अप नहीं है, मैं ऑन एयर ही आपके बोल रहा हूं, हमारे कोई फाइनेंशियल टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी के सभी मेहमान अपना कीमती समय निकालकर आप सबके सामने हाजिर होते हैं, अपना बेहतरीन इंटेलेक्चुअल माइंड आपके सामने रखते हैं, अपनी स्टडी आपके सामने रखते हैं, अपनी सारी चीज आपके सामने रखते हैं। तो मैं तहे दिल से मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिल पाता, यही मौका होता है जब हम जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, जिनकी इंटेलिजेंस हमारे काम आती है, उन सबको शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। और मैं दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग ETN स्वदेश को लगातार देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। आपको खुद से फील हो रहा होगा शोर शराबा नहीं है, शांति से हम आपके सामने पॉइंट्स रखते हैं, सबको मौका देते हैं, और कोई एक राजा एक रंक वाला गेम भी नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सबका साथ सबका विकास वाले कंसेप्ट पे हैं, यहाँ पे एक वन पार्टी वन मैन आर्मी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं और ये आपको बखूबी नज़र भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो इसलिए मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, नए हाई की इसी समय सेंसेक्स ऑल टाइम भी हाई आ गया, निफ्टी ऑल टाइम आ गया, सिर्फ बैंक निफ्टी की थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है और एक ना एक दिन मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी भी इसी स्क्रीन पर अपना नाम छापेगा कि मैं भी ऑल टाइम हाई पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब मैं एक नए मेहमान को भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, उनका नाम है रुचित जैन। रुचित, एक बार आप मेरे को अपना टेक अवे दे दीजिए, इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, पुराने वाले पोजीशंस जो लेके बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, नए वाला तो खैर अभी बैठे शांति से, पुराने वालों को इस समय क्या करने की जरूरत है? जी तो डिम्पी जी, आई थिंक नो बहुत अच्छा मौका है, आई थिंक जहाँ पे ऑल टाइम हाईएस्ट टेस्ट हुए और नो ये मेरे भी कुछ नसीब है कि आपके चैनल पे इसी टाइम पे हो। अब देखिए ऑल टाइम हाई टेस्ट हुए इसका मतलब ब्रॉडर ट्रेंड तो मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है, हमने कुछ ही दिनों पहले करेक्टिव फेस देखा है, तो जिनकी पुरानी पोजिशन है वो ये मान सकते हैं कि उन्होंने जो बैड टाइम्स था शॉर्ट टर्म में जो करेक्टिव फेस था वो देख चुके हैं, और अब क्योंकि मार्केट का अपट्रेंड रिजम्पशन हुआ है सो सबसे बेहतर ये है कि अगर आपने वो बुरे फेज में पेशेंस रखा है और अपनी पोजीशंस को होल्ड किया है ना, तो उनको और ये नए जो शिखर हम देख रहे छूते हुए उनमें अपने पोजीशंस को और भी कंटिन्यू रखे। अब मार्केट कहां तक जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई आ गया है तो ऑल टाइम हाई पे यूजुअली यही क्वेश्चन रहता है कि अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि पुराने कोई रेजिस्टेंस है नहीं देखने के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में रिट्रेसमेंट थ्योरी एक है जो हमें नेक्स्ट टारगेट्स प्रोजेक्ट करने को हेल्प करती है, मतलब जो रीसेंट करेक्शन आता है उस पे हम 127% 161.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से लगाते हैं और वो हमें प्रेडिक्शन करने को हेल्प करता है कि ये मार्केट कहां तक जा सकता है। तो जो रीसेंट करेक्शन आया था 22,525 से लेके 21,710 लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन था, उसका 127% प्रोजेक्शन आ रहा है 22,750 पे। तो पहला टारगेट आप 22,750 का निफ्टी के लिए मान के चले, ये जो अप मूव है वहां तक एक्सटेंड होगा।
और 161.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है 23,000 के आसपास, 23,030 रुपये एकदम प्रिसाइज फिगर दो तो। तो आई थिंक ये मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर अच्छा पेशेंस ये रिसेंट करेक्टिव फेज में रखा है, सो आई थिंक नो ट्रेडर्स जो इन्वेस्टर्स है उनको आई थिंक ये ट्रेंड को अभी भी राइड करना चाहिए, और मे बी 23,000 तक के लेवल्स आते हैं तो वहां पे फिर पोजिशन को वापस से रिव्यू करें।